नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com की खास पेशकश में आपको बताते हैं। इंदौर में हुए अखिल भारतीय महिला समागम में जानी मानी लेखिका रति सक्सेना ने कहा कि उनके कविता से जुड़े कुछ प्रसिद्ध विचार हैं। आइए देखते हैं उनकी कुछ आगे के विचार। आप लोगों की अनुमति से थोड़ा सा इधर रखूंगी कि मतलब मैं सिर्फ काव्य की बात करूंगी, उसमें सब तरह का काव्य आएगा भाषा के से इधर। इसी बात मैं कहने का लालच करना चाह रही हूँ। मैंने सोचा था कि जब हम स्त्रियां बोलेंगी तो पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी। मुझे नहीं पता पुरुष किससे डरे हुए हैं, वो क्यों नहीं आए। उनको आना चाहिए था कि वो सोचे देखे कि हम क्या बोलते हैं, कि हम उनकी टक्कर लेने लायक थे या नहीं। कृपया ये सूचना हमको मिले, वो तो आपको अपनी पत्नी की सेवा करने का। ठीक है, शुक्रिया। जो आए थे उनके भी शुक्रिया। आप हमारी सूचना उनको दे दीजिए कि आप हमें सुनने आइए ना, हम भी तो आपको सुनने आते हैं। आप हमें सुनने आइए, बात हम वही कर रहे हैं जो आप कहते हैं। उतनी बुद्धि हमारे पास भी है, उतनी आपके पास भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा काव्य की जो बात करते हैं, और जब यह है कि बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव को हम संस्कृत में कहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन होता है चक्र। वो चक्र में चलता है, यानी वो सर्किल में चलता है, यानी जो आज है वो कल परिवर्तित हो जाएगा, और जो कल था वो आज, यानी जो कल था वो आज नहीं रहेगा, तो आज जो नहीं रहा है वो कल नवीन बन जाएगा। तो ये नवीनता भी परिवर्तन में चलती है। कविता के साथ भी ऐसा ही हो। कविता के बारे में हम जानते हैं कि कविता एक भाषा थी, कविता एक अलग विषय नहीं है, कविता एक भाषा है, मीडियम है। द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज, मीडियम ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी जब एक समय था जब केवल फिलोसफी या दर्शन था, दर्शन और विज्ञान एक सूत्र में थे। जब जब नासदी सूक्त में वो पूछता है नासद आसित तम आसित तमसा गुरे अग्रम, तो वहां पर वो कविता भी है, दर्शन भी है और विज्ञान भी है। यहाँ कविता उसकी भाषा है। और जब विज्ञान, और ऐसा हुआ कि वैज्ञानिकों को अपनी बात कहने के लिए कविता की भाषा का प्रयोग करना पड़ा। भास्कराचार्य द्वितीय ने जब लीलावती नामक गणित का सबसे बहुमूल्य ग्रंथ लिखा, जो हिंदी, जो हमारे भारतीय साहित्य में गणित का सबसे मूल्यवान ग्रंथ है, तो उसकी भाषा कविता थी। और आज ये पूछा जा सकता है, संस्कृत के किसी भी छात्र पूछेंगे कि ये कविता अच्छी है या गणित अच्छा है, दोनों एक साथ है। इसी तरह से उमर खयाम, वो एक गणितज्ञ भी थे, एक जैसे एस्ट्रोनॉट भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और शायर भी थे। हम उनको सिर्फ शायर के रूप में जानते हैं, लेकिन वो गणितज्ञ के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे अपने समय में। बाद में जाके हम उनको एक शायर या कवि के रूप में कहते हैं। ये हमेशा हर युग में हुआ है। यानी कविता एक भाषा थी, माध्यम था, मीडियम था। ये मीडियम कब एक केवल एक विषय बन गया, ये बहुत दुखद बात है। और वो ऐसा हुआ कि जब फिलोसफी और दर्शन और जो विज्ञान अलग अलग हो गए, विज्ञान ने अपने को अलग समझ लिया, दर्शन ने अलग समझ लिया, तो ये कविता छिटक गई, जो उसकी भाषा थी वो छिटक गई। अब यहाँ पर स्थिति परेशानी ये हुई कि जो भाषा कविता ऐसी थी जो दोनों के बीच में सूत्र बन रही थी, उस सूत्र से बहुत कुछ खत्म हो गया। जैसे कि जो कविता आप ये सोचिए कि जब आप चरक को पढ़ते हैं, सुषुप्त को पढ़ते हैं, तो उस समय ये जो भी आयुर्वेद के जो उपाय हैं वो कविता के माध्यम से हो रहे हैं। आप अथर्ववेद को पढ़े, और जो कि उसमें तो एक पुरुष जब अपने, एक युवक है अपनी प्रेमिका को आकर्षित करना चाहता है, तो कविता में जाता है, कहता है कि लता के पास जाता है कि हे लता, मेरी जो प्रेमिका है वो स्त्री है, बहुत सुंदर है, वो तुम अपने पत्र मुझे दो, मैं इसको, उसको मैं दावा के रूप में प्रयोग करके मैं उसको अपने शरीर में लगाऊं, तो मैं इतना सुंदर बन जाऊं कि वो मेरे तरफ हिरणी की तरह भागती हुई चली आए, वो मेरे दिल में तीर की तरह जाके लग जाए। तो ये सब कविता थी, और वो औषध में यूज कर रहे हैं। जब वो मौत से लड़ते हैं एक युवक के लिए, तो वो ऋषि पूछता है कि मौत तो बहुत बलवान हो, बहुत शक्तिमान हो, लेकिन बच्चे को शक्ति दो। और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कविता निकल जाती है। तो अपने इसलिए ये मैंने ये आपको वो दिया, इनॉग्रेशन, इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है। अब इस इतना ही बात को हम खत्म कर देते हैं, दूसरे सूत्र को लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ।
1940 में अमेरिका के एक डॉक्टर ने एक नया प्रयोग किया, जब युद्ध के बाद की स्थिति थी और अमेरिका में भी युद्ध हुआ है, उनके भी टकराव हुए हैं, और जब उसने ये किया कि हम कोई भी ऐसे थेरेपी, उन्होंने कविता को थेरेपी के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, और ये जब थेरेपी के रूप में उसका कुछ समय तक काफी चला प्रचलन, फिर शायद उसके साथ में खत्म हो गया, और आज के समय यूरोप में स्पेशली आयरलैंड में मेरे ही फेस्टिवल में जो महिला आई थी वो ऐसे पोएट्री थेरेपिस्ट उसमें अस्पताल में काम करती है। अब हम इसके बारे में, मैंने इसके बारे में जब किया कि पोएट्री थेरेपी कैसे है, तो आप उसके बारे में हमने जब उसके रिसर्च किया तो देखिए कि आपको ये मालूम होगा कि हिटलर के समय से लेके जब ये कंसंट्रेशन कैंप का आपको कुछ आइडिया होगा कि कंसंट्रेशन कैंप में किस तरह से दुर्दलता से रखा जाता था। मेरी एक मित्र है वो एरिसिया पार्टनोई, वो वहां पर अमेरिका में यूनिवर्सिटी में है, उसको कंसंट्रेशन कैंप में 1.5 ईयर, जब वो 21 ईयर्स की थी, उसको कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं कैंप नहीं देखा है तो सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप एक महीना खाना नहीं खा पाएंगे। एक तराजू जैसी जगह पे कपड़े उतार के पूरा सबको नंगा ही ऐसे ही बंद कर दिया जाता है, आप वहीं पे आप ऐसे ही पड़े रहो, और समय पर अगर कभी दे दिया खाना तो खा लिया, किसी तरह से जिंदा रहो। और जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो मैंने उससे पूछा तुम जिंदा कैसे रहे, तो उसने कहा कि हम लोग जोर जोर से नर्सरी राइम्स बोलते थे, यानी उनको जिंदा रहने के लिए कविता की जरूरत थी। और फिर बाई चांस वो कहते कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, 1.5 महीने बाद उसको प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाला गया, और वहां पर उसको चित्र लेटर भेजने थे तो लेटर मना थी, तो वो कविता भेजने लगे अपनी बेटी के नाम पे, और वो कविता आज बहुत प्रसिद्ध है। हुआ ये कि उस कविताओं के कारण उसकी कंट्री में एक अभियान चला, वो अपने राष्ट्रपति के कारण, और राष्ट्रपति को सजा हुई। मतलब ये बहुत बाद में हुआ, 20-25 साल बाद, लेकिन ये कविता ने एक बहुत बड़ी, क्योंकि वो कविता ही जो थी, वो कविता जेल से लिखी कविता है, उसका एक प्रमाण बन गई। ऐसे कंसंट्रेशन कैंप से जुड़ी हुई बहुत सी कविताएं हैं जो आपको हिटलर के बाद की जो युद्ध की बाद की विभीषिकाएं हैं, कंसंट्रेशन कैंप और जो दुख दुर्दम स्थितियां हैं उसके बारे में बताती हैं, वो इतिहास बन जाती हैं। और इतिहास ही नहीं, मतलब एक जगह तो ऐसा है कि पोलिश पोएट है और वो उसके अंदर पोस्ट कार्ड पोएट्री, आप गूगल में करके देखिएगा, वो चल रहे हैं, उनको भूखे नंगे ले जा रहे हैं, वो हर जब उसको मिलता है वो 4 लाइन लिखता है और पोस्ट कार्ड उसको छोटा सा किसी कागज में उस जेब में रख लेता है। आखिर में वो गिर के मर भी गया, लेकिन युद्ध के बाद में जब उसको कब्र, जब उसको निकाला गया, जो क्योंकि वो गाड़ देते थे, कब्र भी नहीं बनाते थे रेत में, जब युद्ध के बाद उसको निकाला गया तो उसकी पत्नी ने उसकी जेब में वो पोस्ट कार्ड पाए जो अभी छपे हुए और बहुत प्रसिद्ध है। वियतनाम का जो युद्ध होगा वो तो बहुत पास का आपको मालूम है, उस समय भी आप ये सोचिए कि ये जो चित्र था आखिरी, जहां पर वो लड़की नंगी भाग रही है, उस पर जितनी कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं ने वियतनाम अमेरिका को ये कहा कि ये तुम बंद करो, ये कविता की शक्ति थी, लेख से बोलने से नहीं हो रहा था। मेरे एक मित्र है अतुल बहरा मुगलू, वो टर्की के सबसे बड़े कवि हैं वहां पे, मतलब जैसे कहना चाहिए कम्युनिस्ट कवि हैं वो, क्योंकि टर्की में अभी भी राइटिस्ट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने पढ़ा कि मैं हर फ्राइडे को एक कॉलम लिखता हूँ। वो इतने बड़े कवि थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़े से मतलब यह है कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं तो 1000 बच्चों की भीड़ लगती है उनके सिग्नेचर लेने के लिए, सड़क पे जाते हैं तो भी लोग उनके नाम लेते हैं, तो वो फ्राइडे को एक लेख लिखते हैं जिसमें सरकार की नीतियों के विरोध में, तो शनिवार को वो लेख आ जाता है सरकार की तरफ से जो खंडन करता है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, फ्राइडे को पूरी गजल लिखने लगे सरकार के विरोध में पूरी गजल आ रही है, अब वो सरकार किसको लेके आएगी भाई कविता लिखने के लिए, तो ये चल रहा है वहां पर, और इस तरह से उनको दबाया नहीं जा रहा है। अभी तो सोचो कि जो उनकी दूसरी जो सरकार है के विरोध में जो खड़े हैं वो वहां पे टर्की में कवि है, अभी भी हुआ है उनका 2 महीने पहले जो विरोध हुआ है वो टर्की कवि है। यही स्थिति आप सोच लीजिए कि चीन में जब कल्चर रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय क्या था कि कल्चर रेवोल्यूशन के समय कह दिया था कि आर्ट को बिल्कुल बैन कर दिया गया था, लिटरेचर फिलोसफी सबको बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि कन्फ्यूशियस का मंदिर तक करा दिया गया था, आप गिरजाघर उसके बाद तो छोड़ दीजिए।
उस समय की मेरी दो महीना पहले बात हुई है, न्यूजॉन नाम के बॉय था जो नंबर टू बेस्ट सेलर है चाइना के, उन्होंने कहा, मैंने पूछा आपने क्या किया, करते कि हम 12-13 साल के थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कॉलेज नहीं जा सकते, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम नदी के किनारे बैठेंगे तो हमें तो सिर्फ कुछ जाके वो करना है, कारगर बनना है। तो हमने कविता लिखना शुरू कर दिया, यानी इस तरह से कविता, एक कवि आपने एक नहीं हजारों कवि को आपने जन्म दे दिया, 10 साल के अंदर ये कल्चर रेवोल्यूशन खत्म हो गया था। तो ये यहाँ अभी ये तो मैंने आपको एक दूसरा स्टेप बताया, अब तीसरा स्टेप मैं बताती हूँ कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं ये जो कविता है वो इसकी प्रतिमान। मैं तीसरा ये बताती हूँ कि एक तो जैसे आप सोचेंगे कि मैडलिन, आपने नाम सुना होगा दक्षिण अमेरिका में, वहां पर ये ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग का माफिया, वो अमेरिका द्वारा ही बनाया गया था, उनके जो ड्रग्स हैं वो इन लोगों ने उसको आयातित करने के लिए उनके ड्रग माफिया हुआ, और ये स्थिति ये हो गई कि वो आपस में ही माफिया में माफिया बनने लगे और आपस में वो एक दूसरे से भिड़ने लड़ने लगे, और स्थिति समय हो जाए तो मुझे बता देना, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगी। तो माफिया, और उस स्थिति में ये हो गया था कि ये आप अगर देखिए 10 साल का मैप में, तो जो कोलंबिया है वो येलो मैप था, यानी आप उसमें जाएंगे तो आपको अमेरिका का वीसा नहीं मिलेगा। आप उसी समय 20 साल पहले ही वहां के कुछ कवियों ने मिलकर कभी कभी बैठ के कविता सुनना सुनाना शुरू किया। आप आज विश्वास नहीं करेंगे, ये एकमात्र जगह है पूरे दुनिया की जहां पर कविता सुनने के लिए, वहां पर एक मेडिलिन पोएट्री फेस्टिवल होता है जहां पर कविता सुनने के लिए 5,000-10,000 लोग आते हैं, वो मैदान में होगा। मैं जब मैं वहां पर गई, मैं तो लाइब्रेरी में अगर जाइए, मैंने कहा कोई दिख नहीं रहा है, कहते थे बस शुरू हो जाएगा, आ जाएगा, जैसे ही जाते माइक पे अनाउंसमेंट होता है आप देखेंगे फटफट 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 200 लोग आके हो जाएगा। ये एक फेस्टिवल वो चलाते हैं, तो वो आप सोचिए कि 100 कवियों को बुलाते हैं और 10 दिन तक वो मतलब ये, और सारी भाषाओं की, उसमें स्पेनिश में अनुवाद जरूर होता है, हम अपनी भाषा में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्या उससे हुआ क्या कि वहां पर पहले ये था कि आप जनता जो थी, आप दुकान पे जाएंगे अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो उसमें बार लगी हुई है, प्रिजन लगी हुई है, तो आप उसको आपको पैसा बाहर से देना पड़ेगा, अंदर से वो सामान लेंगे। अब स्थिति हो गई कि माल भी है, फ्लैट भी है, यानी आपने कविता ने पूरे अपना नक्शा बदल दिया देश का। अब मैं ये बता रही हूँ, अब आधुनिक मैंने जो प्रयोग किए हैं हमारे फेस्टिवल में, जैसे हम आजकल क्या है कि हम स्कूल में गए, स्कूल में हमने बच्चों से पूछा, स्कूल का नहीं था ये समर कैंप है, 8वीं से 7, 5वीं से लेके 10वीं तक के बच्चे थे, हमने पूछा कि तुम कहानी सुनते हो, नहीं, तुम्हारे दादी बाबा से कहानी सुनते हो, नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते हो, टीवी देखते हैं, अच्छा तुम कविता सुनते हो, कविता बिल्कुल नहीं, कविता पसंद करते हो, बिल्कुल नहीं, एक दो ने जरूर कह दिया कि हाँ एक दो बस, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, क्या पसंद है, मैथमेटिक्स, मैंने कहा तुम्हें पता है मैथमेटिक्स की पहले जो बुक लिखी है यहाँ पर वो कवि थे बहुत बड़े। तो इस तरह से बात होते होते हुए मैंने कहा चलो तुम एक छोटी सी कोई कविता लिखो किसी भी विषय, चाहे तुम्हें फुटबॉल पे लिखो चाहे किसी पे, आप विश्वास नहीं करेंगे एक घंटा बात करने के बाद में उसमें से 15 लोगों के कविता वहां पर आ गई। उसमें बहुत सिंपल सिंपल कविता थी कि मेरे पेड़, मेरे आंगन में पेड़ है अमरूद का और मेरे पापा उसको काटना चाहते हैं, पेड़ रोता है, ये बहुत बढ़िया कविता है बच्चे के लिए। तो इस तरह से कविता आ गई। दूसरा देखिए, हम गए अनाथालय, अनाथालय में उनको कोई भाषा नहीं आती थी, हमारे पास 22 इंटरनेशनल पोएट्स थे, लेकिन जब अतोल ने बताया कि मेरे बाबा जो थे वो ऑर्फनेज में थे, और आप ये सोचिए कि थोड़ी देर ये हुई कि जब इन लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया, थोड़ा सा कविता है, थोड़ी अपनी बाल कविताएं सुनाई उन्होंने, राइट्स कहते हैं, और बच्चे को साथ में नाचा वगैरह, बाद में ये हुआ कि ये जो 22 कवि हैं और ये अनाथालय के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अब इन अनाथालय के बच्चों के मन में कितना बड़ा परिवर्तन आया होगा कि हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसे हम ओल्ड एज होम में गए, वहां पर पता पड़ा कि एक दो तो वास्तव में कविता अपने जवानी में लिख चुके हैं। हम हॉस्पिटल्स जाते, हम लोग ये हॉस्पिटल्स गए, तो हॉस्पिटल में पहले तो वो अपना दुख की बात करते रहे, अचानक हमारे से जो मैंने बताया ना कि वो पोएट थी जो वहां पर पोएट्री थेरेपिस्ट भी है, उसने पूछा कि डू यू नो हाउ व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ अ सी, हाउ कैन अ सी ड्रीम, बस इतना ही बात थी कि सपना कैसे देखता है समंदर, सबके मन से दुख दर्द सब चला गया, वो सपने समंदर के बारे में सोचने लगे और समंदर के बारे में सब बोलने लगे। यानी उनका मन को उधर ले जाना है जहां पर वो समंदर पर्वत पेड़ पहाड़ इनके बारे में बात करें।
इस तरह के जो प्रयोग है, मैं कहती हूँ कि अब ये समय आ गया है कि कविता को हम युद्ध के सामने खड़ा करें। हमको अभी युद्ध के सामने, हमको युद्ध नहीं चाहिए, जब तुम हो या हम हो, हमको युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध फिर बर्बाद करते हैं। हम देख रहे हैं सीरिया में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अपने आर्मी को बेचने के लिए लड़वाते हैं, हम बेवकूफ जैसे लड़ते हैं, लड़ने का हमारे ही लोग मरते हैं, उनके लोग भी मरते हैं, दोनों ही मरते हैं। तो यह कविता युद्ध के बीच में खड़े हो, कविता दुख के बीच में खड़ी हो, कविता इसके बीमारी के बीच में खड़ी हो, कविता अवसाद के बीच में खड़ी हो, कविता विद्रोहों के बीच में खड़ी हो। तो मैं कहती हूँ कि यही कविता के नए प्रतिमान है और यही उसका उपयोग है। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।